बेजुबान पक्षियों के लिए जलपान के लिए बांटे परिंडे। सर्वधर्म एकता समिति ने परिंडे वितरण अभियान की शुरुआत धार्मिक नगरी पुष्कर से की। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत सर्वधर्म एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खुशतर अरशद चिश्ती के नेतृत्व में गर्मी के दिनों में बेजुबान पक्षियों के जलपान के लिए परिंडे वितरण अभियान की शुरुआत धार्मिक नगरी पुष्कर से की गई। सर्वधर्म एकता समिति कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को परिंडे बांटकर आग्रह किया कि वे अपने छतों, बालकनी में बेजुबान पक्षियों के पीने के लिए पानी के लिए परिंडे बांधें। साथ ही अन्य लोगों को परिंडे बांधने की भी प्रेरणा दी गई। उन्होंने लोगों को पक्षियों के प्रति दया का भाव रखने के लिए जागरूक किया। दरअसल राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के तहत सर्वधर्म एकता समिति 50,000 से ज़्यादा परिंडे निःशुल्क बांटेगी। इस दौरान नौशाद अली, कपिल पालरिया, मोहिनी मिर्जा, अकरम खान, रफीद कादरी आदि मौजूद रहे। समिति की जानिब से पूरे विश्व राष्ट्रीय स्तर पे परिंडे वितरण डे मनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 50,000 परिंडे पूरे राष्ट्रीय में बांटे जाएंगे। समिति द्वारा आज हमने ब्रह्मा मंदिर पर आकर के इसका आगाज़ किया। अभी तक सब मुख्य लोगों से मुख्य जगहों पर बांटे, जैसे विश्व में ब्रह्मा मंदिर एकमात्र ऐसी जगह है जो दूसरा मंदिर नहीं है, तो इस दरबार से इसकी शुरुआत की है। बांटने का कार्यक्रम हम लोग पिछले 8 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं और हम ये निःशुल्क बांटते हैं, और सिर्फ ये जनता जागरूकता अभियान के तौर पे इसको हम लोग काम कर रहे हैं। इस साल हमने 50,000 परिंडे जो मिट्टी के बाउल है वो बांटे हैं ऑल ओवर इंडिया, और अलग अलग सिटी है, अलग अलग शहर हैं, अलग अलग गाँव हैं जहाँ ये बढ़ रहे हैं। और हमारा ये सोचना है, जैसे कि महिला दिवस मनाया गया कल, वैसे भी एक पक्षी दिवस हो जो हर आदमी गर्मी आने से पहले इससे थोड़ा सचेत रहे कि गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी का इंतज़ाम करना है। और यह सर्वधर्म एकता समिति की ओर से पिछले 8 वर्षों से कार्यक्रम चलता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।